गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑन हेयर दिस इज द 28th क्लास ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑन हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग हेड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म। हेड बेटर, बेटर मीन्स व्हाट? बढ़िया होगा, बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर? देन हेड बेटर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स हेड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सेंस निकालता है अच्छा होगा, भलाई इसी में है, ठीक रहेगा, ठीक होगा, इस तरह का सेंस निकलता है। किस तरह का सेंस निकलता है इसका? इसका सेंस निकलता है अच्छा होगा, अच्छा होगा, या इसका सेंस निकलता है कि भलाई इसी में है। अभी सेंटेंस के थ्रू बताया जाएगा, लेकिन अभी समझो किस तरह के सेंस में यूज करना है। भलाई इसी में है, इसी में है, और यह सेंस इसका निकलता है ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, और किस में इसका सेंस निकलता है? ठीक रहेगा, ठीक होगा, ठीक होगा, इस तरह के इसमें इसका सेंस निकलता है, है ना? जैसे हम कह दें अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से क्या हो, चले जाओ। तो इसका देखो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हेड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म का तो यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। इसके पहले हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्ट को यूज करते हैं, इसके पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट को, है ना? और इसके बाद में यहां जो भी हो भाई, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट देन हेड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म देन यहां जो भी अदर होगा उसको यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस में लिखकर बता रहा हूं, अगर मैं कहूं अच्छा होगा या अच्छा रहेगा या भलाई इसी में है, अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, कि तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। अब इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, भलाई इसी में है या अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना? तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। भाई कौन, किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे बारे में बात हो रही है। क्या जैसे कोई होता है ना, खफा हो जाता है एकदम से, देखते ही कहता भैया अच्छा भलाई तुम्हारे इसी में कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में हमसे कुछ मत कहना, है ना? तो अगर कहता भाई क्या बात हो गई है, तो बताता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर लिख दो आप, तुम की इंग्लिश लिख दो यू, और यहाँ पर हैड बेटर, यू हैड बेटर, इसके बाद में चले जाना की इंग्लिश बेटर की स्पेलिंग गलत है ना, बी ए डबल टी ई आर होगा, यू हैड बेटर टू गो, यहां से चले जाओ मतलब भाग जाओ, है ना? तो टू गो, और यहां पर कर दो अवे, लेकिन यहां पर यू बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा ना, हाँ, यू टू गो नहीं होगा, यू हैड बेटर गो अवे, यू हैड बेटर गो अबे का मतलब भाग जाओ, चले जाओ यहां से, मीन्स फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर मतलब तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा, गो अबे फ्रॉम हेयर, कि यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, समझ में आया? अगर हम कह दें अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा होगा, अगर आप छाता साथ ले आए, बारिश हो रही है, हम कहते हैं भलाई आपकी इसी में रहेगी, खैर यहाँ ये तो नहीं रहेगा, अब ये कहते हैं अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा कि अगर आप छाता साथ में भी ले आए तो, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर, है ना, यू हैड बेटर, इसका क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर मतलब आपके लिए बढ़िया यही रहेगा, आपके लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप क्या करें, छाता साथ में ले आए, है ना? तो मतलब टेक, या जो आप कैरी का यूज कर सकते हैं, है ना, टेक या कैरी एन अम्ब्रेला, आप साथ टेक एन अम्ब्रेला अपने और विद यू अपने साथ, इसका मतलब आप अपने साथ में छाता भी ले लें, लेकर चले आए, तो ये हो जाएगा अच्छा होगा कि आप अगर छाता भी ले आए तो,
हम कहते हैं अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, भलाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। या आदमी कहता बढ़िया रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा मेरे लिए अगर तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मतलब क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर लीव मी अलोन। अब ये देखो लीव मी अलोन मूवी में बहुत ज्यादा यूज होता है, लीव मी अलोन, गुस्से में लोग कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ देर के लिए मत, फॉर अ वाइल, है ना, कुछ देर की इंग्लिश होती है फॉर सम टाइम, ठीक है, फॉर अ वाइल भी होती है, ये बढ़िया आपका, है ना, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर, क्लियर है ना। तो अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, है ना, कि आप मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दें, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। समझे, समझ में आया। अगर जैसे हम कह दें अच्छा होगा कि तुम यहां से दबा हो जाओ, यहां से भाग जाओ, यहां से निकल जाओ, है ना, तो क्या होगा, यू हैड बेटर, है ना, हाँ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट का मूवी में सुने हो ना, गेट लॉस्ट मतलब एकदम से नजर मत आओ, या गेट लॉस्ट का आप यूज करो, या आप यूज कर सकते हैं बज ऑफ, बज ऑफ, हाँ, बज ऑफ का भी मतलब होता है दफा हो जाओ, और गेट लॉस्ट का भी मतलब होता है दफा हो जाओ, और गेट आउट का भी मतलब होता है बाहर चले जाओ, है ना, समझ में आया। तो यू हैड बेटर बज ऑफ, गेट लॉस्ट फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, समझ में आया। अगर हम जैसे कह दें कि अच्छा होगा कि तुम कुछ ना हो, लोग कहते हैं अच्छा रहेगा कि तुम कुछ ना हो, क्योंकि जब भी तुम कहते हो आग लगाते हो, है ना, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैड बेटर, है ना, यू हैड बेटर नॉट से समथिंग, है ना, कुछ मत कहो, डोंट से समथिंग, आप बोल सकते हैं यू हैड बेटर नॉट से समथिंग, यू मतलब तुम्हारे लिए, हैड बेटर मतलब ये बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना, नॉट से समथिंग मतलब कि आप कुछ भी ना कहें तभी अच्छा रहेगा, समझे, अंधेरा हो रहा है इसलिए अच्छा होगा कि आप अभी निकल जाएं, है ना, तो अंधेरा हो रहा है मतलब हो जाएगा इट्स गेटिंग डार्क, है ना, देखो, हाँ बिल्कुल, ये पहले रहेगा ना, इट्स या इट इज, है ना, इट्स गेटिंग, इट्स गेटिंग डार्क का मतलब होता है अंधेरा हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप क्या करें, अभी निकल जाएं, है ना, आप अभी निकल जाएं, तो सो अंधेरा हो रहा है इसलिए कह रहे हैं, बाकी आदमी कहते हैं भगा रहे हो क्या भैया, तो घर वाले कहते हैं अरे भगा नहीं रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है रुकना है तो रुको, नहीं तो जाओ। जैसे ये खासकर बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो दादी या दादा लोग रहते हैं वो कहते हैं भैया अगर जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। फिर कुछ लोग कहते हैं भगा रहो का दादा, तो दादा कहते हैं नहीं भैया हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब ये है कि अंधेरा होगा, जाने में दिक्कत होगी, अगर तुम्हें जाना है तो अभी जाओ, अंधेरा क्यों कर रहे हो, है ना, तो वही चीज, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है इसलिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा, मीन्स यू हैड बेटर, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब क्या अच्छा रहेगा कि आप जो है ना अभी निकल जाओ, आप जो है अभी निकल जाओ, तो यहाँ पर लीव, लीव मतलब होता है निकल जाओ, जाओ, है ना, नाउ मतलब अभी, अभी निकल जाओ आप, देर मत करो, है ना, समझ में आया, समझ में आया। जैसे हम कहते हैं भलाई इसी में है, आपकी ये धमकी लोग देते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये बात और किसी को मत बताओ, और किसी को ना बताना, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर ना बताना, मतलब नॉट टेल, है ना, नॉट टेल अबाउट दिस मैटर एनीवन, नॉट टेल अबाउट दिस मैटर एनीवन, किसी को भी इस मैटर के बारे में मत बताना, तुम्हारी भलाई इसी में है, है ना, धमकी दे दो, अब किसी को आज जाकर धमकी दे दो, बाप को धमकी दे दो, फादर लिसन मी, यू हैड बेटर Not tell about this matter anyone. तो पापा एक दो बार सोचेंगे। Anybody आप बोल सकते हैं, है ना? Clear ना? Clear है? Yes, sir. समझ में आया? अच्छा, अगर हम कहते हैं हमारा, है ना? एक जैसे कहते हैं हमारा
उसकी आज्ञा लेना ठीक रहेगा। लोग कहते हैं ना हम लोग की जो है उसकी आज्ञा लेना ठीक रहेगा, क्योंकि उसी के घर में बाप के घर में रह रहे हैं, तो कहीं कहीं जाने के पहले बाप से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं देखो मैं केवल जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ बाप, है ना, बाकी मैं बाप का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं, भले मेरा बाप रेस्पेक्ट ना करे बट मैं करता हूँ, लेकिन मैं शो नहीं कर पाता हूँ, मेरी कमी यही है ना, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उसको, मैं दिखा नहीं पाता हूँ, जैसे कुछ लोग चापलूसी टाइप होते हैं, मैं चापलूस कर नहीं पाता, क्लियर है ना। तो जैसे हम कहते हैं आप बाप के घर में रह रहे हो और आप प्लान करते हो भाई अच्छा रहेगा अगर हम बाप से परमिशन ले लें, आप बढ़िया करें, देखो पापा से परमिशन ले लें क्योंकि मम्मी तो हाँ बोल रही है, पापा का परमिशन लेना जरूरी, प्रधानमंत्री तो बाप है, मम्मी तो गृहमंत्री है ना, और ज्यादा बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री। हाँ तो भाई प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी होती है, तो अगर कहते हैं हम हमारी उसकी आज्ञा लेना ठीक रहेगा या अच्छा होगा कि हम जो है उसकी आज्ञा लें, तो कौन आज्ञा ले, हम, यानी कि बी मतलब हमारे लिए हेड बेटर मतलब अच्छा रहेगा, क्या रहेगा कि उसकी आज्ञा ले लें, टेक हिज परमिशन, आज्ञा को कुछ और कहते हैं, टेक मतलब ले लें, हिज परमिशन मतलब उसकी परमिशन ले लें, उसकी आज्ञा ले लें, है ना, क्लियर है, टेक हिज अलाउ, क्लियर है, लेकिन अलाउ एज ए वर्ब होता है ना, यहाँ पर परमिशन, हाँ आज्ञा को यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया जा रहा है, तो टेक हिज परमिशन, उसकी परमिशन ले लें, समझ में आया। अच्छा अगर हम कहते हैं तुम्हारे लिए डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा, जाओ डॉक्टर की सलाह दे रहे हो कि दाने क्यों निकल रहे हैं, ऐसे ये दोस्त लोग बड़ा अच्छे सजेशन देते हैं, भैया डॉक्टर से सलाह ले लो क्योंकि हमें हुआ था 4 साल पहले हुआ था, है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम डॉक्टर की सलाह ले लो, तो मतलब यू हैड बेटर, है ना, यू हैड बेटर टेक द डॉक्टर्स एडवाइस, यू हैड बेटर टेक द डॉक्टर, सब डॉक्टर से परमिशन थोड़ी लेंगे, डॉक्टर साहब बताओ दाना निकले कि ना निकले, अब डॉक्टर ने कहा टेक एडवाइस टू डॉक्टर्स, नहीं 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 यहां अभी ये अपोस्ट्रोफी एस लीडिंग के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ऑफ जो होता है दोनों केस में लगता है, लेकिन ऑफ जनरली नॉन लिविंग के लिए लगता है ना, हां ये अपोस्ट्रोफी का रूल होता है, नाउन का एक रूल है, वो ग्रामर भी पढ़ा देंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। तो यहां पर अगर हम कहते हैं You had better, मतलब आपके लिए अच्छा ये रहेगा टेक द डॉक्टर्स एडवाइस, कि आप किसकी एडवाइस ले लें, डॉक्टर की एडवाइस ले लें। अब जैसे मान लो तुमको तुम बन गए क्या आईएएस पीसीएस बन गए, आईएएस बन गए और बाप दारू पीता है, आईएएस बनकर आए बाप को धमकी दे रहे हो कि देखो महाराज भलाई इसी में है कि तुम ज्यादा शराब ना पियो, हाँ चौथे पांचवे दिन शराब पी लो क्योंकि अब पैसे कमी नहीं है, तुम्हारा गुर्दा खराब जाएगा, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी देखो उम्र गए दर्द पीते पीते, मतलब बच्चे सजेशन देते हैं, और लड़का तभी सजेशन दे सकते जब कुछ बना रहे, हाँ तब कहता है, तब वो कैसा भी कहता है बाप बुरा नहीं मानता, लेकिन अब कुछ औकात नहीं और बाप को बाप कहते हैं, वो जूता निकालते हैं, फिर ये सुनते नहीं तुम हमें गलत बता रहे हो, तो कल के रंग आज के हमें सजेशन दे रहा है ना, ये चीज होता है। तो मान लो आप बन गए, आप कह रहे हो महाराज, है ना, भलाई इसी में, हाँ भलाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है कि तुम ज्यादा शराब ना पियो, जब पैसा वाला लड़का रहता है मना नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ये कहते हैं कि ज्यादा ना पियो, हाँ महीने में 2-3 बोतल पियो तो अच्छी वाली पी लो, रोज रोज नहीं, हम ले आते हैं 150 वाली पियो जो शरीर में भी लगे, लेकिन 70 वाली छोड़ दो और कम पियो, जब हम लाएंगे तभी पीना, है ना, तो क्या हो जाएगा, भलाई इसी में है कि आप ज्यादा शराब ना पियो, मतलब यू मतलब आपकी हेड बेटर मतलब आपकी भलाई, आपके लिए यही बेटर रहेगा, आपके लिए यही बेटर रहेगा, क्या बेटर रहेगा कि आप ज्यादा शराब ना पियो, तो नॉट ड्रिंक, Not drink, drink मतलब होता शराब पीना, much मतलब ज़्यादा, बस not drink much, है ना? अरे drink मतलब होता है ये शराब पीना, clear है ना? तो not drink much, यहाँ पर देखो यहाँ don't का use नहीं करना है ना? क्योंकि ये sentence के बीच में हम use कर रहे हैं ना,
अगर ये अकेला होता है, शराब मत पियो, ज्यादा मत पियो, तब हम करते डोंट ड्रिंक मच या डोंट ड्रिंक द अल्कोहल मच, क्लियर है ना। लेकिन अब यहाँ सेंटेंस के बीच है इसलिए नॉट इससे कनेक्ट करो, ये सिंथेसिस का रूल है आपका, है ना। हाँ इंटर में यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ टू नहीं लगेगा, नहीं यहाँ टू नहीं लगेगा, है ना। हाँ ये जो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट जब बनाते थे तो नॉट से उसको कनेक्ट करते थे, नॉट टू से कनेक्ट करते थे डोंट को, तो सेम केस यहाँ पर। चलो ठीक है, तो यू हैड बेटर, आपके लिए बेहतर यही होगा नॉट ड्रिंक मच, कि आप ज्यादा शराब ना पियो, है ना। अब जैसे बाप कह रहा है कि बेटा, मतलब आपने बाप से कहा, अब बाप तुमसे कह रहा है, बाप भी दारू पिया है, अब तुम रिश्वत से खूब पैसा कमा रहे हो, बाप को पता चल गया, बाप तुमको समझा रहा है कि सुन दारू पी कर रहा है, क्योंकि बाप तभी समझाता है जब दारू पिया रहता है, तभी तुमसे बात करता है लड़के से, है ना। उस दिन वो सबसे बात करता है, हर रिश्तेदार से सबसे बड़े ना प्यार से, और बाद में कभी बोलकर भी नहीं राजी रहता है ना। तो मान लो बाप क्या कह रहा है ना, वो कह रहा है अच्छा होगा कि तुम पैसे के पीछे ना भागो, थोड़ा ईमान भी कमाओ, है ना, अच्छा होगा कि तुम पैसे के पीछे ना भागो, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर, मतलब आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आप क्या करो, पैसे के पीछे ना भागो, यानी कि डोंट यहाँ लगेगा बीच में, है ना। तो नॉट रन मतलब ना भागो आफ्टर मनी, अब यहाँ आफ्टर मनी ध्यान देना, आफ्टर मनी का मतलब होता है पैसे के पीछे, है ना। जॉब लग गई, अब मान लो आपकी जॉब नहीं लगी है, कोई लड़का है मुन्नू लाल है, है ना, और इनके पापा कह रहे हैं बेटे तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम लड़की के पीछे ना भागो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्ल कर लो बस, है ना, आफ्टर गर्ल्स कर लो, ग्रुप ऑफ गर्ल्स कर दो, बेबी कर दो, इस बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लेकिन इस बेबी का मतलब होता है वही सोना मोना बेबी, और एक बेबी का मतलब बच्चा भी होता है, यहाँ ध्यान देना, इस बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, समझिए इतना, भी वाई रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आफ्टर का मतलब होता है पीछे, बाद में तो होता है, एक बात का मतलब पीछे तो हुआ, तो यू हैड बेटर आपके लिए अच्छा होगा नॉट रन आफ्टर गर्ल्स, कि आप लड़कियों के पीछे मत भागो, है ना। लड़कियों से कहना चाह रहे हो तो बॉयज का, तो आप बॉयज के पीछे मत भागो, क्लियर है, समझ में आया। चलो एक और बताओ, क्या तुम्हारे लिए ये प्रस्ताव ठुकराना सही रहेगा, आप किसी से मान लो कह रहे हो किसी को, आप जैसे आज मॉडर्न के अनुसार देखें, थोड़ा क्यों समझने के लिए बता रहे हैं, तो आप किसी को सजेशन दे रहे हो, ये बताओ नाम क्या है, मान लो कुछ भी नाम है, कि क्या नाम देते हैं, कुछ भी, ये बताओ खुशी, मान लो आप फ्रेंड का नाम खुशी है, खुशी ये बताओ कि तुम्हारे लिए प्रपोजल ठुकराना सही रहेगा, सोच विचार लो, लौंडा बहुत अमीर घराने का है, ये लड़कियां आपस में बात करती हैं, पैसे कभी कभी नहीं रहेगी, जब चाहोगे तब फोन आई फोन सब मिलता रहेगा, मतलब ऐसे सजेशन, देखो ये नॉर्मली सब होता है, है ना, घर वाले भी जानते हैं, है ना, आप घर वाले देखेंगे तो भाई, अब इसमें मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मली हर जगह होता है, आपस में बातें करते हैं, है ना। चलो अब घर वाले थोड़ी बात करेंगे कि पापा ये बताओ एक, तो पापस नहीं, तो फ्रेंड सर्कल में सजेशन सब होता है, तो वहां पर जैसे आप ये में केवल क्वेश्चन के थ्रू आप कुछ भी कह सकते हैं, कि जैसे मान लो कोई कभी ये भी तो होता है, कोई प्रपोजल ये देता है कि कोई चीज अच्छी चीज सिखाने का, वहां भी तो एक प्रस्ताव रखा गया है ना, तो हम कहते हैं क्या हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए, मान लो हम सब के लिए कोचिंग में कोई आया और बोला कि भैया इस बार जो है कोचिंग में एसी लगवा देंगे, हम सोच रहे हैं कि क्या हमारे लिए ये प्रस्ताव ठुकराना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा हेड, अब यहाँ जब क्या आ जाए ना हेल्पिंग वाले को हेल्प, तो हेड बी बेटर, हेड बी बेटर का मतलब क्या हमारे लिए सही रहेगा, क्या सही रहेगा, ये प्रस्ताव को ठुकराना, मतलब इग्नोर दिस प्रपोजल या टर्न डाउन दिस प्रपोजल, हाँ इग्नोर, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं टर्न डाउन दिस प्रपोजल, या बोल सकते हैं रिफ्यूज, रिफ्यूज भी बोल सकते हैं ना,
देश पर पहुंच रहे। समझ में आया? तो ये अब हम लोग सोच रहे हैं भाई कोचिंग में ऐसी लग जाएगी तो क्या रेट बनाना ठीक रहेगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर जी बढ़िया रहेगा, हम सोएंगे पीछे बैठ कर, वो ऐसे भी सोते हैं गर्मी में तो ऐसे और सोए। तो समझ में आया? अच्छा एक और बताइए, अच्छा होगा कि तुम उसे उसके थोड़ा लॉन्ग है ना इसको बना समझना पहले, अच्छा होगा बेहतर रहेगा कि तुम उसे उसके बेटे की मौत की खबर अभी ना सुनाओ। अच्छा होगा कि तुम उसको उसके बेटे की मौत की खबर अभी ना सुनाओ। तो क्या होगा? यू हैड बेटर मतलब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नॉट ब्रेक द न्यूज कि आप इस न्यूज को ब्रेक ना करो। नॉट हेयर द न्यूज, नॉट हेयर दिस न्यूज, इस न्यूज को मत सुनाओ, है ना। नॉट टेल दिस न्यूज, इस न्यूज को मत बताओ, है ना। ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके बेटे की डेथ हो, और टू हिम टू हर, है ना, समझ में आया? हाँ, और अभी हम लोग राइट नाउ, अब अभी के लिए बढ़िया है स्पोकन के लिए आप राइट नाउ का यूज कर सकते हैं। जैसे फोन में रहते ना आई एम बिजी राइट नाउ, लिखा रहता है ना आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ, है ना, समझ में आया? राइट नाउ मीन्स अभी, जैसे आई मतलब मैं, एम मीन्स हूँ, बिजी मतलब बेस्ट, राइट नाउ मीन्स अभी बिजी हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बिजी हूँ लेकिन अभी बिजी हूँ, क्लियर। तो ये आपकी क्लास हो गई 20th कंप्लीट, हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आपने देखा अच्छा होगा कि भलाई इसी में है कि ठीक रहेगा या ठीक होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर। जैसे देखो पहला सेंटेंस है अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, तो देखो अच्छा होगा सब्जेक्ट पहले है तुम्हारे बारे में, तुमको जाने के लिए बोलने बोला जा रहा है, तो यू कर दिया आपने, यू के साथ आपने हैड बेटर लगाया, है ना। तो यू हैड बेटर का मतलब यू मतलब तुम्हारे लिए, हैड बेटर मतलब अच्छा यही रहेगा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, भाग जाओ, नजर ना हो, है ना, समझ में आया, क्लियर। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक करते हैं, तो हाँ भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ प्ले लिस्ट बन गई है आपकी, है ना, प्ले लिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियोज 1x1 देख सकते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।